अच्छा, रेड टी शर्ट वाले तुम्हारे लिए सकता है, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। कौन से वाले? वो देखो, वो लाल वाले देखो, अभी शर्मा रहे हैं। वही जो ताली नहीं बजा रहे थे? नहीं, अभी भी नहीं बजा रहे, देखो ना। अच्छा यार, हाँ चलो फिर, कुछ कुछ कहना है तुम्हें? बिल्कुल, मैं तो कहूंगी तुम तो चुप करो पहले। जाए तुम कितना बोलते हो, मतलब कि तुम टीवी में इतने सालों से बोलते ही आ रहे हो, अब तो कॉमेडी जो बची थी मेरे लिए वो भी तुम करने लगे। अरे मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है यार, एक्चुअली मैं यार देखो वो अभी भी बहुत नाराज लग रहे मुझे, तो मैं एक्चुअली अरे अरे यू नो सुगंधा जानी जाती है अपनी मिमिक्री के लिए, तो वाई नॉट एक काम करते हैं, अगर समझो तुम सिंगिंग भी बहुत अच्छी करती हो, लेकिन आज आज सिंगिंग तुम्हारी आवाज़ नहीं सुननी, क्योंकि यू नो सिंगिंग बन यू नो इतने अच्छे सिंगर बनने के बाद भी एंकर बनी हो तुम, तो तुम्हारे पर लानत ही है। तो पूछना चाहूँगा मैं कि अगर समझो कंगना रनौत अगर समझो यहाँ पर होती थी और उनको अगर समझो इनको इम्प्रेस करना होता तो क्या करती थी? तो कंगना म्यूजिक के शो में होगी तो ऑब्वियसली गाना गाएगी पहले। हाँ। कंगना के लिए जोरदार ताली हो जाए। कम ऑन एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई एम हियर। और आज इस शो पर मैं गाना गाऊंगी, लेकिन किसी का नहीं, अपना। हाँ। क्योंकि क्वीन सिर्फ अपना ही गाती है। ऑलराइट, ओके, सो माय सॉन्ग इज द कैंटी बिग बैंड दी, पूरा हिमाचल ठुमकदा, हिमाचल ठुमक। हेलो हेलो हेलो, लंदन ठुमकदा है। अरे लंदन का वीजा नहीं लगा यार, इंग्लिश प्रॉब्लम। अच्छा इंग्लिश प्रॉब्लम ऐसा इसलिए हुआ था? नहीं नहीं, मेरी नहीं, उनकी। क्यों? उनको मेरी इंग्लिश ही समझ में नहीं आई। यू नो व्हाट, आई एम द क्वीन, यू नो आई वाज इन टॉकिंग इन द इंग्लिश एंड दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी। अच्छा, अरे यार राखी अगर होती थी तो क्या होता था? राखी? हाँ, मतलब बॉलीवुड की माँ। बॉलीवुड की, हाँ माँ माँ। तो वो कैसे गाती? हाँ, अरे सबको बताया मेरा करण अर्जुन आंग। अरे यार फिर से वही करण अर्जुन आएंगे, करण कुछ और, किसी और को तो ला, एक ही करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, कुछ और आता है कि नहीं? आता है ना। हाँ बोलो ना। अच्छा जोक या शेर सुनाओ? हाँ शेर सुना, शेर या जोक कुछ भी सुना। ठीक है, मैं ऐसा शेर सुनाऊंगी कि सब हंस हंस के गिर जाएंगे। मैं ऐसा शेर सुनाऊंगी कि सब हंस हंस के गिर जाएंगे, और अगर नहीं गिरे तो मेरे करण अर्जुन आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। और अगर समझो सोनम यार, कोई नई एक्ट्रेस सोनम कपूर अगर समझो होती थी तो क्या करती थी? सोनम, ओके ओके ओके, हाँ उधर से आवाज आई। ओके हाँ, अच्छा तुम तो फुटेज लेने की आदत है ना तुम लोगों को। हाँ चलिए, हाँ ओके, वेल यू नो व्हाट, या आई एम आल्सो प्लानिंग टू लॉन्च माय सिंगल, या सिंगल। हाँ हाँ अच्छा, लेकिन तुम्हें गाने के बारे में कुछ नॉलेज है कि क्या करना रहता है? एग्जैक्टली, मुझे पता है। यू नो व्हाट, आई नो कि म्यूजिक में 18 सुर होते हैं। हेलो, 7 सुर होते हैं, 18 कहाँ से हो गए? नो वी आर कपूस, वी कैन अफोर्ड 6 पापा के 12 मेरे। ये देखो फाइनली वो चचा नहीं ना ताली बजा रहा है यार, क्या बात है, हाय हाय हाय, सुपर्ब सर जी, कमाल है, लगता है तुम्हारी आवाज सुनने के लिए लगता है यहाँ तक आए हैं। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, यार याद हो। कमाल है यार। सो गाइस चलिए, बस्ती बहुत हो गई, अब उसके बारे में बात करते हैं जिसके लिए आप सब यहाँ पर आए हैं। वो नहीं, 2000 रुपए की थाली खाने के लिए तो आप सब आई हैं, लेकिन साथ ही साथ हम हमारे द वॉइस किड्स के यू नो प्रमोशन के लिए यहाँ पर मिले हैं, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।